प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए शनिवार को जम्मू में रैली की। उन्होंने एमए स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि 2016 में आज ही की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बताया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुस कर मारता है। पीएम ने कहा कि वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। जब भाजपा सरकार ने गोली का जवाब गोली से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। अब आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पताल से भी उन्हें खोज निकालेगा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। सितंबर में पीएम मोदी की जम्मू कश्मीर में यह तीसरी और आखिरी चुनावी सभा थी। 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम चरण में बांदीपोरा, कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ जिले की 40 सीटों पर मतदान होगा। 8 अक्टूबर को तीन फेज में 90 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे आएंगे। इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी, एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है, आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा।